आजकल सोशल मीडिया पर एक संत के प्रवचन काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनका नाम है स्वामी प्रेमानंद महाराज। यह संत राधा रानी से अनन्य भक्त हैं, साथ ही वृंदावन में रहते हैं। आपको बता दें कि महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। साथ ही वह रोज सत्संग करके लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। वहीं भक्त जन उनसे प्रश्न करते हैं, जिसका वह उत्तर देते हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हैं। साथ ही फिल्म जगत और राजनीति से जुड़े कई लोग महाराज जी के भेंट कर चुके हैं। जिमसेन क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और रेसलर ग्रेट खली का नाम शामिल है। आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है कि ज्यादा पूजा पाठ के बाद भी लोग क्यों दुखी रहते ही, जिस पर महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि अक्सर जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में इतने सारे भौतिक सुख और धन धान्य आ जाएंगे, जिससे आपका मार्ग रुक जाएगा या फिर इतनी कठिनाइयां आ जाएंगी जिससे आपका पूजा पाठ छूट जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि आपने जो जन्म जन्मांतर से जो पाप किए वो प्रभु इस जन्म में निपटाते हैं, क्योंकि जैसे आपके कमरे में कूड़ा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही आप झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो कष्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी ने कहा कि आपको भजन मार्ग छोड़ना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमार्थ के पथिक का हर शूल फूल हो जाता है। महाराज जी ने कहा कि जो प्रभु के मार्ग पर चल रहा है उसका अमंगल कैसे हो सकता है, वहीं अगर अमंगल हो भी रहा है जो इसका मतलब है कि अमंगल हमारा जमा था उसको कुछ नष्ट करके खत्म किया जा रहा है। साथ ही महाराज जी ने कहा कि ये नहीं सोचना चाहिए कि जब से हमने भगवान नाम जपना शुरू किया है तब से विपत्ति आना शुरू हो गई है, इसलिए इन सब चीजों को छोड़ते हुए भगवान के जप को निरंतर करना चाहिए।